हेलो एवरीवन, आई नो आई एम प्रिटी लेट इन मेकिंग दिस वीडियो, बट आइजर के पहले राउंड का क्लोजिंग रैंक्स आर आउट और एक बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज आ रही है यहाँ पे जो बेनिफिट करेगा ना ही इस साल के एस्पिरेंट्स को बल्कि अगले साल जो एस्पिरेंट्स आ रहे हैं उनको भी बेनिफिट करेगा. एज वी एक्सपेक्टेड, एज द सीट्स हैव इंक्रीज्ड इन आइजर, सो एक बहुत बड़ा जंप देखने को मिला है फर्स्ट राउंड के क्लोजिंग रैंक्स में कंपेयर टू लास्ट ईयर. जैसे कि इस साल इफ आई एम कंसिडरिंग आइजर बरमपुर एज द लास्ट आइजर दैट गिव्स यू एडमिशन थ्रू IIT चैनल, तो इस साल जनरल को 1990 रैंक पे मिल गई है एडमिशन, बल्कि पिछले साल इट वॉज 1405. सो यहाँ पे एक 500 प्लस जंप है, ऑलमोस्ट 600 का जंप है. एंड वी कैन ऑल्सो सी फॉर अदर कैटेगरीज लाइक SC ST PWD, उनमें भी एक बहुत अच्छा खासा जंप है, ऑलमोस्ट 150 की 200 का जंप देखने को मिल रहा है. एंड नॉट ओनली आइजर्स लाइक बरमपुर तिरुपति, ऑल्सो आइजर्स लाइक आइजर मोहाली, आइजर पुणे, आइजर कोलकाता में भी जो टॉप रैंक, जो टॉप आइजर्स हैं उनमें भी एक बहुत अच्छा जंप देखने को मिला है. जैसे कि कोलकाता में जनरल को 641 रैंक में क्लोज किया गया है, लेकिन पिछले साल इट वॉज ओनली 403, सो ऑलमोस्ट 200 का यहाँ पे भी जंप है. जैसे कि हम कंसिडर करें पुणे को, द जनरल रैंक वॉज 259 दिस टाइम और पिछले साल इट वॉज 175, सो यहाँ पे भी जंप देखने को मिला है. हो क्या रहा है कि हर साल आइजर में सीट्स बढ़ेंगे, दिस इज एन एक्चुअल रूल दैट आइजर्स अप्लाई ऑन देमसेल्व्स, हर साल सीट्स बढ़ेंगे एंड फॉर दिस द रैंक विल ऑल्सो इंक्रीज इन द सब्सिक्वेंट राउंड. आई एम टॉकिंग अबाउट द क्लोजिंग रैंक्स. सो ये इंक्रीज होने की वजह से ज्यादा बच्चों को एडमिशन मिल सकती है. अगर मैंने जो रील में बताया था आपका रैंक उस रेंज में नहीं है, उससे थोड़ा सा ऊपर है, लाइक उससे 200-300 के ऊपर भी है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस साल आपको आइजर मिल जाएगा. इफ नॉट द टॉप आइजर्स तो आपको आइजर बरमपुर मिल ही जाएगा. दिस इज अ वेरी पॉजिटिव न्यूज फॉर ऑल द फ्यूचर एस्पिरेंट्स ऑल्सो, क्योंकि अगर सीट्स बढ़े तो उनको भी ज्यादा रैंक में अच्छे आइजर्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं. एंड दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट राउंड. वी ऑब्वियसली डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग ऑन द नेक्स्ट राउंड, बट माय प्रेडिक्शन इज कि इस राउंड में हमने जो ट्रेंड देखा है वो अगले राउंड्स में भी हमको दिखेगा और अब अगले राउंड्स में भी हमको ये दिखेगा कि सीट्स बढ़ने की वजह से रैंक्स, आई मीन क्लोजिंग रैंक्स बढ़ रहे हैं. तो अब आपको क्या करना है, अगर आपको सीट मिल गई है तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस. आप अपने सीट को फ्रीज या फ्लोट कर सकते हैं. अगर आप फ्रीज कर रहे हैं तो प्लीज चेकआउट योर ईमेल, बिकॉज आपको अपने आइजर से ईमेल आएगा. फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव फ्रोजन आइजर भोपाल, देन आपको आइजर भोपाल से एक ऑफिशियल मेल आएगा कंफर्मिंग दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड एंड आपको बुलाया जाएगा फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑन आइजर भोपाल कैंपस. तो प्लीज डोंट मिस दैट ईमेल और आपको जो डेट मिला होगा उस डेट में ही आप जाइएगा. आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस कि आपको फिजिकल वेरिफिकेशन में क्या क्या करना पड़ता है. आई हैव ऑल्सो मेड अ वीडियो ऑन अदर आइजर्स और सारे आइजर्स में मैंने एक ब्रीफ रिव्यू दिया है कि सारे आइजर्स कैसे हैं, सब आइजर्स में फूड कैसा है, हॉस्टल कैसा है. सो इफ यू आर फ्लोटिंग योर आइजर और आपको अभी भी डाउट है कि आपको किस आइजर में जाना है, देन यू कैन चेक दैट वीडियो आउट. यही कह के मैं अपना वीडियो खत्म करूंगा कि बहुत अच्छा यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है. अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं होप करता हूँ कि आप सबको अपना पसंदीदा आइजर मिल ही जाएगा. और ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए और मेरे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड हिट दैट बेल आइकन सो यू डोंट मिस एन अपडेट. एंड इसी के साथ मैं अपने वीडियो एंड करना चाहूंगा. आई विल से चूज द बेस्ट फॉर योरसेल्फ, बेस्ट ऑफ लक.